नमस्कार दोस्तों, येली सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, भारत में जितने भी नागरिक हैं लगभग सभी का आधार कार्ड रहता है, जो उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आधार से पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते थे, एड्रेस, DOB और आइडेंटिटी के पते के लिए। वैसे ही अभी तक जो है बिजनेस के लिए अगर आपको कहीं से लोन लेना है, कोई सरकारी योजना का लाभ उठाना है, तो ऐसे में आपको बिजनेस के लिए भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे। लेकिन अभी अगर आप जो है अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं या किसी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या कहीं और उपयोग करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को प्रूफ करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप जो है उद्यम या उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये आपका जैसे कि इंडिविजुअल के लिए आधार कार्ड काम करता है, वैसे ही आपके बिजनेस के लिए गवर्नमेंट की बेनिफिट्स देने के लिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट पहुंचाने के लिए और बैंक वगैरह से लोन लेने के लिए आपको जो है एक आधार कार्ड की तरीके से ही काम करता है और आपको तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाता है। ठीक है, तो अगर आप एक बिजनेस करते हैं, कोई आपका दुकान है, कोई आपका मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, कारखाना है और इस तरीके की कोई चीज है, तो आप अपने स्टोर के लिए, अपने दुकान के लिए, अपनी उस कारखाने के लिए उद्योग आधार का या कहें उद्यम का पंजीकरण करवा सकते हैं और सरकार की निगाह में आपका वो बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके लिए कोई भी स्कीम्स आती हैं या उस तरीके का कोई भी चीज आती है तो आपको उससे जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे उद्योग का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है उद्यम वाला, ताकि आपको बैंक से लोन लेने में या और भी कामों में आपको सहूलियत हो सके, उसका प्रोसीजर पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को चैनल बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उद्यम या उद्योग का रजिस्ट्रेशन करने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in पर आ जाना है और यहाँ पर दिया हुआ है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको आधार नंबर डालने के लिए बोलेगा, तो जो भी उस उद्यम के मेन हैं, अध्यक्ष हैं या फिर प्रोप्राइटर हैं, मालिक हैं, उनका आधार नंबर रहेगा। फिर वहाँ पर नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी का नाम रहेगा और यहाँ पे फिर इसको टिक करके आपको वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक करना है। इतना करने पर आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार के साथ में, उस पर एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा। वो वन टाइम पासवर्ड डालने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पैन वेरिफिकेशन का आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको चेक कर लेना है कि आपका प्रोप्राइटी है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर सोसाइटी है या कौन सी संस्था है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको पैन नंबर डाल के पैन वैलिडेशन पे क्लिक कर लेना है। वैलिडेट पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का एक डिक्लेरेशन खुल के आएगा, जिसको आपको टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपसे पूछेगा क्या लास्ट ईयर आपने ITR फिल किया है, GST नंबर है, अगर है तो यस करिएगा, अगर GST नंबर आपने बिजनेस के नाम से नहीं ले रखा है तो यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, जो भी है आपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछेगा मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दे देना है और एक ईमेल आईडी दे देनी है। ये मोबाइल नंबर आपका जो भी मालिक है उद्योग का, जो भी उस संस्था का मालिक है, वो डाल सकते हैं या फिर अध्यक्ष या सचिव, कुछ अध्यक्ष जो भी अथराइज सिग्नेचरी हैं, वो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे अपना डाल सकते हैं। करने के बाद अब आपको यहाँ पे सोशल कैटेगरी में सामान्य, अनुसूचित जात और OBC, जिस भी जात से आप संपर्क रखते हैं वो सेलेक्ट करिएगा। महिला पुरुष का चयन करेंगे, विकलांग है, दिव्यांग है, तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेम ऑफ एंटरप्राइज में जिस संस्था का या जो बिजनेस नेम है आपका, वो यहाँ पे डालना है, जिस नाम से आपका बिजनेस चलता है वो यहाँ पे डाल के आपको यहाँ पे देखो प्लेस यूनिट नेम। ठीक है, तो कहने का मतलब इकाई का नाम, जैसे अगर आपके गोडाउन है, वेयरहाउस है, इस तरीके से, तो हमारे केस में एक ही चीज़ है, तो यही वाला हम जो है ऐड यूनिट में डाल के ऐड यूनिट पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ ड्रॉपडाउन में देखो आप यूनिट इकाई का नाम सेलेक्ट करने के लिए आएगा, ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ ही में ये जो आपने यूनिट सेलेक्ट ली है, इसका एड्रेस क्या है, मतलब इसका ऑफिस एड्रेस और ये कहाँ, कौन से पते पे स्थापित है, वहाँ का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम, पिन कोड, जिला, वो सारा सब कुछ डाल के आपको ऐड एड्रेस पे या ऐड प्लांट पे क्लिक कर देना है। प्लांट पे क्लिक करते ही आपके सामने वो प्लांट का जो एड्रेस है वो यूनिट वाइज शो करने लगेगा। अब आपको यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस का नीचे कॉलम दिख जाएगा, यहाँ पे भी सेम वैसे ही आपको जैसे आपने ऊपर डाला था वैसे ही यहाँ पे ऑफिस एड्रेस में आपको सारी चीज़ें वही डाल देनी है। यहाँ पे आपको देखो पूछेगा प्रीवियस UAM नंबर, यानी कि उद्योग आधार में अगर आपका रजिस्टर्ड था तो उसका नंबर है या नहीं है, तो वहाँ पे NA लगा देंगे। अब यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि संस्था का रजिस्ट्रेशन डेट, और उसके बाद देखो पूछेगा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो वो सारी चीज़ें आपको
डाल देनी है जब से आपका बिजनेस आपने चालू करना स्टार्ट किया और जब से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था। ये दोनों डालने के बाद अब यहाँ पे आपको देखो 16 नंबर में बैंक का नाम डालना है, FSO कोड डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है। ये डालने के बाद मेजर एक्टिविटी क्या है आपकी, मतलब बनाते हैं कोई चीज़ें या बेचते हैं, ठीक है, या सर्विस देते हैं, सुविधा देते हैं, तो वो चीज़ें आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आप किसी चीज़ की खरीद और बिक्री करते हैं तो ऐसी हालत में आपको ट्रेडिंग सेलेक्ट करना है। और उसके बाद देखो सर्च NIC कोड वाला ऑप्शन जो आएगा उसमें आपको जो भी आप जिस चीज़ की बिक्री करते हैं, जिस चीज़ की खरीद करते हैं या जो भी चीज़ आप बनाते हैं, जो काम करते हैं आप, उसका नाम लिखेंगे तो वहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपको लिस्ट शो होने लग जाएगी। दी गई लिस्ट से आप अगर किसी चीज़ को बेचने का काम करते हैं तो जिस चीज़ को बेचते हैं उस चीज़ से रिलेटेड कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप रिपेयरिंग का काम करते हैं तो उससे रिलेटेड रिपेयरिंग का काम, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं यानी कि उत्पादन करते हैं तो वो चीज़ सेलेक्ट करके ऐड एक्टिविटीज़ पर क्लिक करिएगा। इस तरीके से आप कई सारी एक्टिविटीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस के माध्यम से कुछ चीज़ें बनाने का भी काम करते हैं, कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर भी करते हैं, कुछ चीज़ में सर्विस भी करते हैं और किस चीज़ में खरीद के दूसरी जगह से लाते हैं, बेचने का भी काम करते हैं, तो इस तरीके की सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे आप इस तरीके से सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपके जो बिजनेस है उसके भीतर कितने महिला पुरुष काम करते हैं, यानी कि जो वर्कर्स हैं उसमें कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं, कितने अन्य हैं, तो उसमें आप डाल दीजिएगा संख्या। उसके बाद पूछेगा कि ये सारा सेटअप लगाने में आपको कितने पैसे का खर्चा आया, तो वो चीज़ यहाँ पे आप डालोगे कि आपको बिजनेस में प्लांट लगवाने में या मशीनरी खरीदने में या जिस चीज़ में जितना पैसा लगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे उसके हिसाब से। और उसके बाद पूछेगा कि टर्नओवर कितना है, यानी कि साल में कितना पैसे तक का आप लेन देन करते हैं, यानी कि आप जैसे 1 लाख रुपए का सामान लेते हैं, बेच डालते हैं, फिर से खरीदते हैं, तो ये जितनी बार आप पैसा खरीदेंगे बेचेंगे वो जितनी बार भी रोटेट होता है उसको बोलते हैं टर्नओवर, ठीक है, वो कितना टर्नओवर है वो पूछ लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप ई मार्केट पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जेम पोर्टल जो गवर्नमेंट का है उस पे अगर करना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज यहाँ पे नो करके आपको डिक्लेरेशन को टिक करना है और फिर सबमिट एंड जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा आर यू श्योर, तो इसको ओके कर देना है। फिर आपके आधार से लिंक जो भी मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, वो वाला OTP डाल के और ये कैप्चा डाल के आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका UAM यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, इसको कॉपी कर लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका आपको एक ईमेल पे भी लिंक जाता है, अदरवाइज इसको प्रिंट एंड वेरीफाई वाले सेक्शन पे जाके आप जो है यहाँ पे अपना जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपको मेल पे आया है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला नंबर डाल के और यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो वाला मोबाइल नंबर डाल के उस पर OTP प्राप्त करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते। डालने के बाद आपको वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है और आपका उद्यम सर्टिफिकेट आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ जाएगा। अब इसको प्रिंट आउट निकाल के आप अपने जहाँ पे भी दुकान है, जहाँ पे भी फैक्ट्री है वहाँ पे लगा सकते हो, प्लस जहाँ भी आपको कोई भी बेनिफिट लेने के लिए किसी स्कीम में अप्लाई करने के लिए जहाँ पे भी आपको मांगा जा रहा है वहाँ पे आप इसको एज ए बिजनेस प्रूफ दे सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पूछिएगा। BLE सोसाइटी मोबाइल ऐप पे नहीं है तो जरूर डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।